एमपी के आष्टा में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। यहाँ की जावरा पुलिस ने 6 आरोपियों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था और रात भर हवालात में रखा। वहीं दूसरी ओर पुलिस रात भर सोती रही, जब सुबह उठी तो आरोपी लॉकअप से गायब थे। पीएनबी महाघोटाले के आरोपी नीरव मोदी ब्रिटेन में हैं। इनके प्रत्यर्पण की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में दी थी। राम मंदिर का मामला एक बार फिर जोरों पर है। अयोध्या के संतों ने राम मंदिर के लिए SC ST एक्ट की तरह राम मंदिर के लिए भी कानून बनाने की मांग की है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जांच के दौरान यह पता लगा है कि अखिलेश यादव ने अवैध काम करवाया है, जो कि 467 लाख रुपीस का है। देश की ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की पारंपरिक प्रजाति के कड़कनाथ मुर्गे पर सूबे के दावे की मंजूरी पर मोहर लगा दी है। करीब 6 साल की जद्दोजहद के बाद कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग मिला है। 2 दिनी दौरे पर रविवार को रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को कार्यकर्ताओं का भारी विरोध सहना पड़ा। इस विषय में उन्होंने भाजपा को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। दरअसल मीडिया में आई रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बाबरिया को अनुरोध कर पत्र लिखा था कि यदि वे भाजपा से सुरक्षा मांगना चाहे तो मांग सकते हैं। मध्य प्रदेश में पशुपालकों को अब उनके पशुओं के बीमार हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे 1962 पे टोल फ्री कॉल कर सकेंगे। टोल फ्री कॉल करने के बाद विकास खंड में तैनात वैन मौके पर ही आ जाएगी। यह योजना पशु संजीवनी योजना के नाम से 15 अगस्त को मध्य प्रदेश में लागू होगी। इंदौर में इंस्पायर मोबाइल शोरूम में चोरी के मामले में नया खुलासा सामने आया है। चोरों को यह पता था कि डमी आईफोन और आई वॉच में अलार्म लगा है, इसलिए उन्होंने सिर्फ रैक के फोन पर ही हाथ डाला, जबकि डमी आईफोन और आई वॉच वही रखे हुए थे। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 सालों में इस बार का मानसून सबसे कमजोर दिखाई पड़ रहा है। पिछले 2 माह से लगातार 3 इंच बारिश नहीं हुई है। इंदौर की औसत बारिश 34 इंच मानी जाती है, बल्कि इस बार 15 इंच ही हुई है। मंदसौर में एक युवक को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। युवक जब अपनी दूसरी पत्नी को विदाई समारोह में ले जा रहा था, तब पहली पत्नी ने आकर वहां जमकर अपने परिजनों के साथ हंगामा किया और उनका कहना था कि हमारी 12 साल पहले शादी हो चुकी है और हमारे 2 बच्चे भी हैं। चुनावी साल में मंत्रियों के एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि राहुल गांधी से जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और कमलनाथ ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। कांग्रेस मंत्रियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। इंदौर में हर साल की तरह इस साल भी अहिल्या उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अहिल्या उत्सव की शुरुआत अहिल्या आश्रम स्कूल से हुई, जहां सभी अतिथियों ने अहिल्या की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर आयोजन की शुरुआत की।